तो एक तरफ जहां आम सब्सक्राइबर्स के बीच में पेड बैज या वेरिफिकेशन बैज लेने की टेंशन होगी, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ऐप ने अपनी मार्केटिंग एग्रेसिव कर दी है। कू ऐप ने मशहूर हस्तियों को जिंदगी भर के लिए फ्री में वेरिफिकेशन सुविधा देने का ऐलान किया है। तमाम क्षेत्रों उनसे जुड़ी विविधाओं में जिन लोगों ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनको पहचान देते हुए कू ऐप ने ऐसे प्रोफाइल को येलो टिक दिया है। जो ट्विटर पे जो ब्लू टिक होता है वो कू पे येलो टिक होता है। हालांकि ऐसे प्रोफाइल को कू की वेबसाइट पर दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। कू का मैनेजमेंट जानता है कि नामी हस्तियों की टिप्पणियों पर ज्यादा लोग रिएक्ट भी करते हैं और इससे ही ट्रैफिक भी बढ़ता है और स्वाभाविक रूप से इससे उनका जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें जो उनकी अवधारणा है वो पूरी होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी स्टेटस पाने वाले लोग कू से जुड़ेंगे। ये उनका एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहता है। फ्री में लाइफ टाइम वेरिफिकेशन दुनिया भर के सभी मशहूर हस्तियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए होगा। ये उन्हें फॉलोअर्स के बीच में भरोसा बनाने में भी मदद करेगा, ऐसा उनका अनुमान है। लेकिन इससे बिजनेस कैसे बढ़ेगा ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। ट्विटर और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए ब्लू टिक को बेच रही हैं। ऐसे में कू फ्री में लाइफ टाइम वेरिफिकेशन दे रहा है और जो चिंताएं व्यक्त की जाती हैं इस तरह की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के लिए कि आखिर में कमाई कहां से होगी, तो अगर फ्री में दे दिया गया इस अवधारणा के तहत तो फिर रेवेन्यू मॉडल का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा कंपनी का, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। उनका जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कू के लीगल और पॉलिसी हेड रजनीश जसवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर ये जो आप नया स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं और जब बड़ा क्रांतिकारी लग रहा है कि एक तरफ दुनिया कह रही है कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, आप कह रहे हैं साहब पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और उसमें भी कुछ छिपा नहीं है, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि लाइफ टाइम हम आपको देंगे, तो ये क्या है, ये आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या है और इस सोच के पीछे का कारण बताएं पहले। नमस्कार जी। नमस्कार। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कि टिक क्यों आए थे, ये वेरिफिकेशन टिक क्यों आए थे। ये वेरिफिकेशन टिक इसलिए आए थे कि कोई ऐसी हस्ती जिसने कुछ किया हो उसको बाकी लोगों से अलग किया जा सके। जैसे आप ही हैं, आप काफी नामी गिरामी हैं, कई लोग आपके नाम से बहुत सारे अकाउंट खोल सकते हैं और बहुत सारा कंटेंट छोड़ा जा सकता है, एंड दैट लीड्स टू इम्पर्सोनेशन। ये जो टिक आए थे, जो ब्लू टिक या वेरिफिकेशन टिक, ये आपको अलग करने के लिए आए थे ताकि आम जनता को पता चले कि ऐसी हस्ती जिसने कुछ नामी गिरामी काम किया है, जिसने समाज में कुछ नया कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वो ये आदमी है, ना कि कोई हजार दो हजार ऐसे अकाउंट जो कि उटपटांग का कॉन्टेंट भेज रहे हैं। जब आप उसको चार्ज करने लगेंगे तो कोई भी जाके वो ब्लू टिक या येलो टिक या कुछ भी ले सकता है या पिंक टिक ले सकता है। सो द पर्पस ऑफ द टिक इज डिफीटेड जब आप उसको चार्ज करने लगेंगे। और कू के लिए येलो टिक देना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सम्मान दे रहे हैं ऐसे 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 लोगों को जिन्होंने समाज को कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और ये लाइफ टाइम फ्री है। हम लोग मानते हैं कि जितने अच्छे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे आम जनता उनसे जुड़ना चाहेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो रिलीजन में हो, सब लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और जुड़ेंगे और उससे प्लेटफॉर्म बढ़ेगा भी, इंटरेक्शंस भी बढ़ेंगे और अल्टीमेटली रेवेन्यू भी आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा अमाउंट आप चार्ज कर लेंगे, $8 $11 $1,000 $2,000 येलो टिक बेचने के लिए, उससे लोगों का ट्रस्ट प्लेटफॉर्म से चला जाएगा। जी, आज की डेट में रजनी जी एक मेरा सवाल इसमें ये रहेगा कि सेम यही बात इसी तरह की बात ट्विटर ने भी शुरुआत में कही थी कि हम वेरिफिकेशन मॉडल लेकर आ रहे हैं, ये कोई एंडोर्समेंट नहीं होगा, ये सिर्फ वेरिफिकेशन होगा, तो इस तरह की बात ट्विटर ने भी कही थी, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी कही। लेकिन बाद में जो इनके ऊपर बड़ी आलोचना की गई कि ये लोग बड़े बायस तरीके से समाज में लोगों की उपलब्धियों की का चयन करते हैं और वो लोग प्रतिष्ठित हैं या नहीं ये चुनने का अधिकार तो हमेशा आपके पास ही रहेगा, तो ऐसे में वो पारदर्शी हो वो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने उपलब्धि हासिल की है उस पर सभी लोगों की सहमति हो, ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा?
जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और क्यों में हम लोगों ने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। आपको ध्यान रहेगा कि पिछले कई सालों में ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रही है कि किसी की उपलब्धि है या नहीं है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कूपर हमने अपने प्लेटफॉर्म में हर सोसाइटी, हर कंट्री के हिसाब से जो जो उपलब्धियां हैं वो पारदर्शी तरीके से लिखी हुई हैं, और अगर आप उसे सेटिस्फाई करते हैं तो आपको येलो टिक दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपको कोई सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है, और वो पुरस्कार हमारी कू की वेबसाइट पे लिखा है, हम आपको येलो टिक देंगे। और ये बहुत ही पारदर्शी प्रोसेस है। अगर आप कंपेयर करें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि प्रोसेस क्या है, वो नोटेबल है या नहीं है, एक बहुत ही लंबी बात है। लेकिन हमारे लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रोसेस, ब्रोकन डाउन बाय प्रोफेशंस, चाहे आप लॉयर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, चाहे आप न्यूज पर्सन हैं, हर एक की उपलब्धि के हिसाब से आपको येलो टिक दिया जाएगा, और जो वेरीफाइबल है। बहुत संक्षेप में, रेवेन्यू मॉडल को लेकर जो आपके प्रशंसक, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी कंपनी पर नजर रखते हैं, उनकी चिंताएं जो रेवेन्यू को लेकर हैं, उन्हें कैसे दूर करेंगे संक्षेप में सर? आई थिंक हम एक नो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए भी है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ 2, 2.5, 3 साल पुराना प्लेटफॉर्म है हमारा, और हमने इतने छोटे से टाइम में मोर देन 60 मिलियन यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हम लोग दुनिया के दूसरे नंबर के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, तो रेवेन्यू भी आएगी, और रेवेन्यू तब आएगी जब ट्रस्ट किया क्रिएट किया जाएगा। और वो ट्रस्ट कहाँ से आएगा? वो ट्रस्ट टिक बेचने से नहीं आएगा, वो ट्रस्ट आएगा जब आपका प्लेटफॉर्म सेफ है, वो ट्रस्ट आएगा जब आपके प्लेटफॉर्म पे नामी लोग आएंगे और अच्छी बातें कहेंगे जो बाकी लोगों को पहुंचाई जाएंगी। जी हाँ, लेकिन अगर और उन कोई लोगों को लाने के इम्परसोनेशन लिए करे। आप ये नई स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत स्पष्ट तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार रखे। रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया।